गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आज जो ग्लोबल एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, उसी की प्लान को आपसे शेयर करने के लिए, उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए जीव और जेब के मालिकों से सहयोग लेने के लिए प्रपोज्ड ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर एक्सीलेंस वुमेन यूनिवर्सिटी एट क्वाडवा स्टेटी झुंझुनू राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित डालनवास और क्वाडवास सीमावर्ती गांव हरियाणा राजस्थान के सहयोगकर्ता गौशाला क्वाडवास पहुंचने का क्रम जारी करें। सहयोगजीव शिव दिया जास्ता, सहयोगजीव शिव दिया जास्ता। पत्रकार मंडली से कहूँगा कि जोश और खरोस के साथ जुट जाए। और जितनी सेलिब्रिटी जो हैं वो गौशाला क्वाडवास पहुँचे और इस विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना सहयोग दें, चाहे दुबई के शेख पहुँचे या चाहे बम्बई के सेठ शाहूकार, सभी का सम्मान है। दान से लोगों को बुलाया जा रहा है और जीप चलाने वालों को मौका दिया गया है कि बालिकाओं के लिए विश्व स्तरीय श्रेष्ठ संस्थान बनाने पर कार्य किया जा रहा है और करीब 4,000 करोड़ के एक मुफ्त राशि में से 1 करोड़ रुपये चैनल अपनी तरफ से इस विश्वविद्यालय के राज्य सरकार, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से कहूँगा कि वो जगें और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन अब वो लोग स्वयं पहल करें, विकास तब नज़दीक आता है राज्य के, सिर्फ लोगों को मीठा भोजन बुलाकर करने से, रही ज़्यादा कह देने से कोई यहाँ कुछ नहीं लगाता। इसके लिए हमें निश्चित योजना पर कार्य करना होगा और तो सत्ताधारी दल से कहूँ हमें, जो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जो है, मैंने मुख्यमंत्री मोदी से कहूँगा कि इस जिले के साथ न्याय करें शिक्षा के मामले को लेकर। शिक्षा में धमक रखने वाले जिले को भी काफ़ी कुछ देना है, जैसे आपने अपने गृह जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, IIT संस्थान झड़ी लगा दी, वैसी झड़ी आप इस जिले में लगाएं। इस संस्थान की बागडोर अपने हाथ में लें और राजस्थान सरकार की जितनी मंडली है, उनके जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं कहूँगा, उनका हक नहीं, उनका दायित्व है, ये मॉरल ड्यूटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है कि वो इस काम को हाथ में लें। छिपने छिपाने से काम नहीं चलेगा और JP चंदेलिया जो शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं, पिलाने विधायक, में उनसे विशेष अनुरोध करूँगा साथी से कि वो इस मामले में सबसे पहले गौशाला क्वाडवास जो एक साझा मंच है वहाँ पहुँचने का, जब पूर्व निर्धारित किसी कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ती, पहुँचें और इस विश्वविद्यालय के लिए ड्राफ्टिंग शुरू करें। हम सहयोग करते हैं 1 करोड़ डोनेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन, संस्थान आगे बढ़े, राज्य और राष्ट्र को पहचान मिले। इससे प्रवासी भारतीयों को भी सहयोग करने का अवसर मिलेगा।
और मैं झुंझुनू जिले की जो महिला शिक्षिका हैं, इसके लिए माना जाता है कि सबसे अधिक सैनिक और शिक्षकों के मामले में जिले ने स्थान प्राप्त कर रखा है। लेडी फीमेल टीचर्स, लेडी टीचर्स, तो मैं कहूँगा कि वो स्वयं भी इसमें भागीदार बने, अपने स्तर पर अपनी वाणी द्वारा और अपने आर्थिक सहयोग द्वारा इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मैंने पहले कहा कि इसकी शुरुआत, इसका अनुमानित जो बजट है, एस्टिमेटेड बजट, वो करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, सभी को अपनी अपनी जेबें कुछ ढीली करनी चाहिए। सुझाव देने को यहाँ प्याऊ और पानी पिलाने वाला काफ़ी सुझाव दे देता है। गली में चून मांगने वाला उससे भी ज़्यादा दे देता है, आपको कितनी बातें सुननी सुझाव करते रहे। परंतु मैंने पहले कहा कानूनी तौर से कि 1 करोड़ रुपये चैनल जो अपनी तरफ से दे रहा है राजस्थान में एक महिला विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, भारत देश में महिला विश्वविद्यालय निर्माण के लिए, ये एक सहकारी संस्थान जो है, अपने प्रकार अनूठा संस्थान, हजारों संख्या सदस्यों के साथ ये संस्थान शुरू होना है। तो इसके लिए रीटा चौधरी एक महिला विधायिका होने के नाते और पूर्व विधायिका संतोष सहलावत यहाँ रह चुके हैं, मैं जनता से जीप चलाने की प्रार्थना करूँगा कि न्यायशाला चल रही है, लोगों के चेहरे पहचानने का समय आ गया है, अच्छी और बुरी सोच, कम से कम लोग स्टेज पर चढ़ कर वो स्वच्छता का ब्रांड अम्बेसडर है, वो बालिका शिक्षा का ब्रांड अम्बेसडर, बेटी बचाने का ब्रांड अम्बेसडर है, ये ढोंग गर्दी का पर्दाफाश भी हो जाएगा कि क्या बचाना है या नहीं बचाना है। तो महिला विश्वविद्यालय के मैंने बता दिया, ये राज्य सरकार राजस्थान को, कि राजस्थान सरकार सोई हुई है, सोई हुई ना रही। मैंने काफ़ी पहले भी सरकार को वीडियो प्रेषित किया था कि इसके लिए अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मैं पुनः कहूँगा कि जन मांग है और इस मांग के लिए आप अपना प्रयास तेज कर दें, सहयोग तेज कर दें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। जैसे चैनल ने 1 करोड़ बोला, सबसे पहले मैं ये भी कहूँगा मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री स्वयं, हमें राज्य की सहायता की बात नहीं कर रहा, स्वयं भी वो अपनी तरफ से बोल सकते हैं 1 करोड़ रुपया आजकल बहुत बड़ी राशि नहीं है। हरियाणा में बहुत है कि किला भी 4 करोड़ का बैठता है, यानी छोटे छोटे किसान कई करोड़ों के मालिक है। इसमें ज़रूरत दरिया दिली की है, अच्छी सोच की है, हल्की सोच वाले 1 लाख करोड़ के मालिक भी अब रोते दिखाई देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। रामदेव, रवीश, रजनीश, रविशंकर, उन भाइयों से मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण की पुरोधा, राष्ट्रीय स्वयं संघ के विश्व हिंदू परिषद, विश्व मुस्लिम परिषद, विश्व सिख परिषद, विश्व बौद्ध परिषद और विश्व जैन परिषद, जितनी ये धार्मिक परिषद और फिर जातीय परिषद बहुत हमारे यहाँ देश में, राष्ट्रीय वीर गुज्जर, वीर जाट, वीर यादव, वीर ब्राह्मण, अनेक आगे चलता जाइए क्रम वीरता का। सभी 36 जातियों को नमन करता हूँ, सभी वीर शूरवीर हैं और अपनी शूरवीरता के लिए उनके जातीय संगठन से कहूँगा मैं कि वो यहाँ पहुँचकर गौशाला में गौड़वास इस संस्थान को अपना समर्थन दें ताकि उनकी वीरता हम भी देख सकें, समाज देश के कि कौन कौन वीर हैं, कौन कायर हैं। धन्यवाद।